नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंतर्ज्ञान में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेके आई हूँ, खाने से रिलेटेड। खाना सभी को बहुत पसंद होता है, सब बहुत मन से खाते हैं, आप भी खाते होंगे। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, बहुत लोग हमारे भारत में, पूरे शहर में या कह लीजिए पूरे संसार में वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे भारत में ही 75% लोग सिर्फ नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज हमारे, हम खाते तो हैं, बहुत लोग खाते हैं नॉनवेज, पर आपको पता है उसके बहुत से नुकसान हो रहे हैं। सिर्फ आपको ही नहीं, हमारे पर्यावरण, हमारी सृष्टि, प्रकृति सबको बहुत नुकसान करता है। आइए आज हम यही जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूँगी जिसे आप गौर से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, नॉनवेज खाना जो हमारे पाचन में बहुत देर तक रहता है और उसे पचने में बहुत टाइम लगता है, इसके मुकाबले जो हमारा वेज खाना होता है वो जल्दी ही पच जाता है। तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो जल्दी पच जाए, क्योंकि जो देर से पचता है उसमें हमारी एनर्जी लगती है और हमारी एनर्जी डाउन होती है, हम दिन भर उतना एनर्जेटिक नहीं महसूस करेंगे उस दिन। आप गौर करिएगा जिस दिन आप नॉनवेज खाएं, ये आपके साथ ज़रूर होगा। दूसरा कारण मैं आपको ये बताऊंगी कि दुनिया भर में जितने भी लोग खाते हैं नॉनवेज, उनके लिए बहुत भारी मात्रा में इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। मतलब एक बड़ी सी ज़मीन ली जाती है, उसमें मतलब वनों को काटा जाता है, उसमें इनको पालन पोषण किया जाता है, और इसमें भारी मात्रा में पानी और भारी मात्रा में उन जीव जंतु को पालने में जो खाना पीने लगता है वो लगता है। तो इसमें हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है, हमारे पर्यावरण का वन जो सबसे अहम भाग होता है उसे काट दिया जाता है। तो एक तो ये नुकसान है। दूसरा नुकसान कि जो मांस मछली इन सब में वेस्टेज बहुत होता है, अगर खाते हैं तो वो कटते हैं, पिटते हैं और उनमें से कुछ तो वेस्ट फिक जाता है, वेस्टेज बहुत होता है। और उसमें कुछ मांस ऐसे होते हैं, वेस्टेज उनके ऐसे होते हैं जो पानी में जाकर पानी को प्रदूषित कर देते हैं, विषैला कर देते हैं, ये भी नुकसान है एक। और एक सबसे बड़ा नुकसान है, ये आप सब नहीं जानते होंगे, वो नुकसान है अगर चार परिवार मांसाहारी है तो वो एक तरह की विषैली गैस छोड़ता है, वो दो कारों के प्रदूषण के बराबर होता है। उसे ग्लोबल ग्रीन कुछ करके कहते हैं, उसे ग्रीन गैस करके कहते हैं शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, इसी तरह से कुछ कहते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो हम लोग वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कहते हैं कि प्रदूषण कार्य ही कर रही हैं, पर हम लोग ये नहीं जानते कि ये मांसाहारी जो खा रहे हैं वो भी इस गैस को उत्सर्जित कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक नुकसान है मांसाहारी खाने का। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे जानवर, प्यारे प्यारे जानवर होते हैं, उन्हें हम खाते हैं काट के। एक बार सोच के देखिए, हमारे अंदर बिल्कुल उसी तरह का मांस है, उन्हें हम काटते हैं, उनके अंदर भी खून है, उनके अंदर भी जान है, कितना उन्हें कष्ट होता होगा। एक बार अपने आप को इमेजिन करके देखिए कि आपको कोई काट रहा है या आपके बच्चे को कोई काट रहा है, काट के खा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। उसी तरह हमारे परमपिता, हमारे जो ईश्वर हैं, उनके ये सब छोटी छोटी संतानें हैं, इन्हें अगर हम काट रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा और इसका हर्जाना हमें कभी ना कभी ज़रूर भुगतना पड़ेगा। आज हम उन्हें काट के खा रहे हैं, कल को अगले जन्म में या किसी जन्म वो हमें काट के खाएंगे। इसी तरह से कर्म चलते हैं, इसी तरह से कर्म योग भी है, जो हम करते हैं, जो हम बोते हैं, वही हमें काटना होता है। और क्या बताऊँ, इस तरह के कई ऐसे नुकसान हैं। हाँ, एक मुझे बहुत ही अच्छा पॉइंट याद आया, लोग कहते हैं कि इतने भारी मात्रा में मछली हैं, मुर्गे हैं, अगर हम खाएंगे नहीं तो बढ़ते जाएंगे संसार में। तो क्या आप मनुष्यों को भी कोई खाए, वो भी तो बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं होती है, ये कोई कारण नहीं है, ये तो बस बेवकूफ़ी है। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बहुत ही अच्छा पॉइंट बताऊँ, बहुत लोग कहते हैं इसमें प्रोटीन और बहुत अच्छे अच्छे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। तो मुझे कोई सोच के ये बताए, अगर इन छोटे छोटे जानवरों में इतने पोषक तत्व हैं तो हम तो बड़े हैं,
ये घास फूस यही सब खाते तो इनके अंदर ये सब आ रहा है, तो फिर हम क्यों मांस खाते हैं? हम भी ऐसे पेड़ पौधे सब्जियां फल ये सब सब्जियां फल खनिज लवण पानी ड्राई फ्रूट्स इस तरह की चीज़ें खा के हम भी पोषक तत्व तो पा सकते हैं, दाल वाल ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। फिर क्यों हम बहाना करते हैं कि हमें मांस ही खाना है? हम इसलिए बहाना करते हैं क्योंकि इसका टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है। तो कृपया करके टेस्ट के लिए ना खाएं, सिर्फ पेट भरने के लिए खाएं। और भगवान ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिन्हें आप खा के अपना पेट भर सकते हैं। इन छोटे छोटे जानवरों पर दया कीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, और इससे हमारे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान हो रहा है। ये जीव हमारे प्रकृति को संतुलित रखने के लिए बहुत ही काम करते हैं। हर एक जीव जो यहाँ पे है इस पृथ्वी पे, वो इस पर्यावरण को संतुलित रखने में बहुत काम करता है। अगर हम इन्हें खाएंगे मारेंगे तो कभी ना कभी ये मर जाएंगे, और ऐसे ही खाते रहे तो आगे जाके बहुत सी मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारी मात्रा में इन्हें पाला जा रहा है, ज़मीनें ली जा रही हैं, तो खेती वेती तो हो नहीं पाएगी इतनी अच्छी मात्रा में। फिर हमें आगे चल के भुखमरी का भी सामना कर सकता है कुछ सालों में। तो कृपया करके इन्हें ना खाएं। आशा करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।